अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एहतजाज हो या जश्न हो, पेशावर वाले सबसे आगे होते हैं। इमरान खान साहब के सज़ा मौतली के बाद पेशावर और मर्दान में लोग खुशी से झूम उठे हैं और इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ वकला अल्लाहु अकबर के नारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल है और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक तरफ इमरान खान साहब की सज़ा मौतल हो चुकी है तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में कल तक गिरफ्तार किया गया है और कल उनको अदालत के सामने रूबरू पेश किया जाएगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब एक केस में गिरफ्तार थे तो उनको साइफर केस में दोबारा कैसे गिरफ्तार किया गया। सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है, आईन मौतल है, कानून की कोई परवाह नहीं है और अदालतें खामोश बैठी हैं। मुश्किल से कोई एक फैसला देती है तो दूसरी तरफ कुछ और गलत कर देती है। अब इमरान खान साहब को साइफर में कल पेश किया जाएगा और शायद फिर इस केस को भी इतना लटका दिया जाए और खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि जेल में रखा जाए। मगर आवाम अब बाहर आना शुरू हो चुकी है, इनके लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं कि ये लोग कब तक ये लाकानूनियत जारी रखते हैं। आप इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।